सलाम वालेकुम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबको, बहुत बहुत मुबारक। तुम भी बोलो। आज वैलेंटाइंस डे हम तो मना रहे हैं। और हमारे लाइफ का ये 13वां है। हाँ। जिसमें हम लोग अल्लाह की करम से बहुत खुश है। तुम लोग की सबकी दुआएं भी है और हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग भी सब खुश रहो। तुम लोग भी वैलेंटाइन डे मनाओ। वैलेंटाइन डे से कोई बुरा ही नहीं मेरे ख्याल से। क्या है, तो प्यार का दिन है। प्यार का दिन तो अच्छा है ना। अल्लाह पाक भी तो प्यार करने को बोलता है ना, एक दूसरे से प्यार करो। प्यार का मतलब सिर्फ आप लोगों का प्यार थोड़ी है, सब प्यार, भाई बहनों का प्यार, दोस्तों का प्यार, हर चीज़ का प्यार। तो सबके साथ अच्छा रहो, खुश रहो, एक दूसरे की चिड़ी लगा, ये करो वो करो। हम लोग को बिल्कुल जमता नहीं और हम ऐसे आदमी से कोई संबंध रखते नहीं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, पीछे पीछे भी बोलते हो। ये बिल्कुल हम लोग को, दोनों को भी जमता नहीं और हम ऐसे आदमी से ताल्लुकात रखते नहीं, क्योंकि वो हमको जमता है। तो हमारा बोलना ऐसा है, काम से काम रखो, इबादत करो, नमाज पढ़ो और खाओ पियो, मजा करो और एक दूसरे को खूब प्यार करो। हम लोग तो बाबा रात को 12 बजे से हमारा हर त्योहार भी रहेगा, तो अपने इस काम के हिसाब से तो हम लोग असर से उसको शुरुआत करते हैं। जैसा असर में अपना दिन बंदी होता है और जैसा रहेगा रात से, तो सुबह से, तो सुबह से हम इंशाल्लाह बरोबर पूरा करते और आप लोग भी करते जाओ इंशाल्लाह। जय अल्लाह मेरे को जी। आज का दिन मनाने के लिए कोई बुराई नहीं है। छोटा मुन्ना मेरा, छोटा मुन्ना सोया था तू? खाना खाया कि नहीं? तूने समझ नहीं आया क्या बोलूं, इतना सब तभी तो बोला ना। इसने खाना खाया? इसके जगह खिला जरा देखो, थोड़ा हल्का लगता है। आज नहीं खाया। इसका वजन रोज करने का क्या, कितने ग्राम? देखो लाख मारने को बराबर सब है ना, लाखों निकालने का। सो वैलेंटाइंस डे हम 13वां आज था ना अपना, 13वां है, हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। और वैलेंटाइंस डे हो या जैसे हमारी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, ये वैलेंटाइंस डे 2-3 ये 4 दिन साल के ऐसे आते हैं जिसमें दानिश को कितना भी काम हो वो जाते नहीं है, वो पूरा टाइम मेरे साथ रहते हैं। वैसे आज के दिन तो हम हमेशा मतलब ना बाहर रहते हैं। ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे अपना घर पे ना, ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे जो हमारा घर पे है, लेकिन आज भी हम शायद घर पे नहीं रहते थे, लेकिन आज घर पे उसकी वजह ये लोग है। इन लोगों की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। आखिरी में गई थी मेरे बर्थडे के लिए, अपन जो गए थे वही ना, मेरे बर्थडे सेलिब्रेट किया था तब आखिरी बार हम सब चले गए थे बाहर, उसके बाद से तो गए नहीं। उसके बाद से मैं एक बार गई हूँ और मैंने जब से इन बच्चों के लिया है तब से मैंने इनको एक बार भी मतलब छोड़ के गई नहीं हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक हो गया जो हमने मैयत के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम घूमने गए उनको छोड़ के, ये वो मकसूद पटेल के, लेकिन ये तो ज्यादा घंटे नहीं, 5-6 घंटे गए थे ना। हाँ, हम मैयत पे गए थे ना उस दिन, सिर्फ बच्चों को मैं अंदर रख के ना चली गई अकेले में, लेकिन उस वक्त भी ये छोटी हमसे नाराज हो गई थी आने के बाद, वो बातचीत नहीं कर रही थी हमसे, पास नहीं आ रही थी। तो वही एक मतलब दिन नहीं घंटे, 5-6 घंटे मेरे ख्याल से, जहाँ हमने इनको अकेले छोड़ा था। इसके अलावा हमने इनको अकेला नहीं छोड़ा है और हमें इनके आने से ये हुआ है प्रॉब्लम कि मैं कहीं भी जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहीं भी जाओ तो इनको साथ में लेकर जाओ, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे हमारा है जो हम घर में मना रहे है ना। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तो सोचा चलो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट नहीं, टाइम स्पेंड करो ये। और दानिश की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है पता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि घर में टिकते नहीं है, बहुत से लोग है ना घर में नहीं टिकते, उनको बस बाहर जाने का रहता है, चाहे काम रहे या ना रहे उनको बस बाहर रहना है, घर में वो सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए आते हैं। लेकिन दानिश का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बाहर ज़्यादा रहते ही नहीं है, उनका काम रहेगा तो वो बाहर है, उनका काम हुआ क्या वो यहाँ वहाँ, मतलब मैं कहूँगी ना कि 5 मिनट भी वो वेस्ट नहीं करते हैं, वो बस घर पे चले आते हैं। तो हमारा ना एक ही मकसद है हमारी लाइफ का कि जो भी हमारी लाइफ है जितनी भी, वो हर एक पल साथ में रहना है, वो साथ में गुजारना है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जिंदगी जो लाइफ हमने को मिली है एक बार मिली है,
तो हमारा तो यही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताए, और उसके लिए ज्यादा कुछ बोला जाए कि किसके लिए, तो वो दानिश के लिए बोला जाएगा, क्योंकि दानिश बहुत बेहिसाब टाइम निकालते हैं, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं गलाते। तो मैं खुद भी यही चाहूंगी कि जो आप लोग जिससे प्यार करते हो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। यहाँ वहाँ टाइम पास करके कुछ नहीं मिलता है, यहाँ वहाँ की बातें करके कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है उसमें? कुछ भी नहीं मिलता है। सोच कर देखो, सच में थोड़ा भी अगर अच्छा लगे ना, तो एक बार करके भी देखो और सोचो जरूर, है ना, इस बात पे कि बिल्कुल यहाँ वहाँ टाइम स्पेंड मत किया करो। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपन जिसको चाहते हैं, अपन जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। हमारे दोनों का तो वही है बाबा, हम एक दूसरे के साथ ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और यही तो खुशी है, यही लाइफ है, और क्या है। इसके अलावा हमने रात के 12 बजे तो एंजॉय किया ही है, लेकिन मैंने अभी के लिए भी मैंने ना एक केक बनाया है चलो बताओ बताओ बता और मैंने तो मैं चलो लिख जाती हूँ। बता। हार्डशिप का केक है, मस्त मीठा मीठा। रानिया को काम इतने रहते हैं, रात में भी सोते सोते सबसे 1:30 बजा सब काम, ये काम वो काम। ये रहा केक, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये रवे का केक है, रवा यानी सूजी उसका केक। तो अकेले का नहीं है, नहीं, चलो आ जाओ। देखो मैंने केक भी हार्ट शेप में बनाया है। बोला मैंने बोला ना अच्छे पति का नाला है। ऐसा कुछ भी छोटा मोटा भी घर पे भी करेंगे ना, तो उसी खुशियां ही होती है। बस अपना अपना तरीका होना चाहिए खुशियां ढूंढने का, जरूरी नहीं बड़ा कुछ करो, है ना। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैंने ये लाइन क्यों चूज की, जैसे कि यूट्यूबर बनना, ब्लॉगिंग करना, ये क्यों चूज किया, तो ये मैंने सोच के 2 साल हो गए, है ना। मेरे दिमाग में ना तो 2 साल से एक बात थी कि मुझे ना ये करना है, ये करना है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो घर बैठे हो। और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि जैसे कि हमारी शादी, हमारी लव मैरिज जो भी है, तो मुझे ना कहीं ना थोड़ा सा ऐसा कि लोग जाने या कुछ हमारे बारे में कुछ ऐसा एक यादगार कुछ बने, और ऐसा हमेशा कहीं कुछ वो सेव रहे। तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि नहीं, मुझे ना यही करना है, जिसे जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो आज ही के दिन 2 साल पहले दानिश ने मुझे, जब मैंने सोची थी ये बात, तो दानिश ने मुझे आज के दिन वैलेंटाइंस डे को कैमरा गिफ्ट किया था, है ना। हम बॉम्बे गए थे और इन्होंने मुझे वो कैमरा दिया था गिफ्ट में, कि तू चाहती है कि वीडियो बनाना, यूट्यूब पे आना, तो उन्होंने मुझे कैमरा दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं करूंगी करूंगी करके बीच में बहुत सारी चीजें हो गई, जिसकी वजह से डिले होता गया कि इतने करेंगे में तो करेंगे तुमने करके बहुत आगे बढ़ दिया कि उसको बहुत। पढ़ा हाँ, कर मैं उसको उस एग्जाम वक्त दे से करती दिया। तो मैं बहुत आगे ले रहती थी ये काम ही पैसे। जितने रहते हैं ना एक्चुअली उसको काम ही रहते हैं ना, कि उसका दिमाग खाली रहता ही नहीं क्या करने का क्या करने का। ये भी अभी बड़े मुश्किल से उसको कैसा क्या अल्लाह पाक ने हिदायत दी है, और अल्लाह पाक उसको मदद कर रहे हर काम में, उसको मुश्किल आसान कर रहे। ये यूट्यूब बनाना ये सब करना कोई मामूली बात नहीं है।
इसमें बहुत मेहनत है, अपन कुछ कोई भी चीज देखते हैं तो। दानिया के साथ बहुत माशाल्लाह स्मार्ट है और वो सब बराबर हैंडल किया उसने। अभी तुम लोग उसको हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फिर इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ जाएंगी। आमीन। तो सिर्फ मैंने इसके लिए ये YouTube पर आना मतलब चॉइस किया है कि मैं घर बैठ के कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकती, हर चीज के लिए मुझे दानिश चाहिए होते हैं, तो इसके लिए ये मुझे अच्छा लगा और कर सकती हूँ। हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, अपन देखने के लिए देखते हैं कि मतलब एक वीडियो, लेकिन उस एक वीडियो के पीछे इतनी मेहनत रहती है कि मैं कई बार रातों में सो ही नहीं हूँ, है ना दादा, कई बार। और मैंने चैनल जो बनाया है वो किसी को भी कुछ भी बोले तो कुछ भी, 1% की भी हेल्प नहीं है किसी से भी। जो भी मैंने किया है चैनल खोलने से लेके सब कुछ अभी तक, वो मैंने पूरी तरह से अकेले किया है, तो यही। लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है कि कुछ लोग कोई बात नहीं है, तो मेरी खुशी थी जो हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये मेरे मतलब मेरे हर चीज में साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो दूंगा, तो अल्लाह हमको देगा, सबको देगा इंशाल्लाह। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो जो मैंने सोचा वो हो रहा है। और अभी बस डेली ब्लॉग्स कुछ लोगों ने कहा कि डेली डाला करो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, लेकिन अब मेरे रोजे चल रहे हैं, मैंने आज रोजा नहीं किया। आज बोले तो मेरा आज का तीसरा दिन है मेरा रोजा नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैंने रोजा छोड़ा था। और आज एक्चुअली मैं करने वाली थी, लेकिन वैलेंटाइन डे था तो इन्होंने बोला मैं आज नहीं करने का है, तो इसलिए मैंने आज नहीं किया। 23 तो हुए ना? हाँ, सिर्फ 7 रोजे मेरे बचे, 23 तो हुए। हाँ, तो मैं उसके बाद डेली ब्लॉग्स डालूंगी। अभी देखते हैं, वैसे हम ईद मनाएंगे, है ना, 7 रोजे मेरे बाकी है, 5 रोजे इनके बाकी है, जैसे ही होते हैं अभी तो कल से तुरंत मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और हम ईद मनाएंगे क्योंकि पूरे 30 रोजे कर रहे हैं, तो ईद तो मनाने बनता है ना, ईद मनाएंगे। अच्छा अच्छा खाने को जाओ, ठीक है, हमेशा देती हूँ। तो ये सब ईद मनाएंगे इंशाल्लाह, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी कल तो क्या है, परसों कल ना समझो, अच्छा अगले इसको अगले संडे तक तो इसकी ईद हो जाने वाली है, मतलब अपनी मजाक मजा है। अभी उसके बाद में क्या, वैसे बहुत अच्छा लगा, मेरे रोजे कैसे जा रहे हैं ना मुझे खुद को पता भी नहीं लग रहा है, क्योंकि घर में तो है लेकिन टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, वीडियो भी बना ली उसमें भी मेरा टाइम जा रहा है, अभी घर के काम बच्चे दानिश तो, लेकिन कई बार ऐसे रोजे गए मेरे कई कि जिसमें राजेश दानिश इफ्तारी के लिए भी नहीं पहुंच पाए वो कितनी उन्होंने शादियां भी गलाई, कितनी शादियां गलाई, एक यहाँ विरार में एक दिन शादी में जाना था, तो मैंने शायद उस दिन का वीडियो बनाया, मेरे पास 2 वीडियो रेडी है, तो वो आज के वैलेंटाइन डे के मतलब आज के तारीख के पहले के है, लेकिन जो मैं कल परसों में डालूंगी, तो मुझे आज का वीडियो इसलिए मैंने बनाया और आज के आज ही मुझे डालना है, तो ये वीडियो पहला आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो इसके पहले के हैं। इनको शादी में जाना था और आए 11:15 बजे, नहा धो के चलो नहीं दादा तो कम से कम 15-20 मिनट तो कहीं भी नहीं गए, तो क्या 11 बजे शादी में जाने वाले हैं क्या, इनको मैंने भेजा नहीं। इसके अलावा और 2-3 शादी में जाना था, हाँ तो उनके रोजे चालू थे, तो फिर क्या जाके बोलू रोजे में फायदा ना, इसके लिए मैंने वहां भी उनको भेजा, तो दादी बेचारे शादी में भी नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। तो ऐसा हमारा वैलेंटाइन डे हो गया, और ये वीडियो आज के लिए मैंने सोचा कि कुछ और बताने से अच्छा कि कुछ बातें की जाए जो शायद किसी को सच में अच्छी लगे, और किसी में 1% भी अगर हमारी बात पे गौर किया तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, इंशाल्लाह। हाँ, तो प्लीज जितना हो सके अपने अपने में रहो, अपने घर वालों को मतलब जिससे आप लोग प्यार करते हो ना, अपना खुद का टाइम ना उसको दो ना, कि वेस्ट करो यहाँ वहाँ बैठो, ये मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है, इंसान की लाइफ का कोई भरोसा नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा नहीं। हम मेरे को भी कुछ कहना है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ। वाह 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 वाह। सो आज के मैं ये वीडियो अभी डालने वाली हूँ तुरंत, इसको आज के आज ही अपलोड करूंगी इंशाल्लाह।
तो प्लीज इसको सच में, जैसे कि दानिश ने बोला लाइक करो, सच में करो ताकि हमें और मतलब अच्छा लगे कि सच में और वीडियो बनाने चाहिए। ज्यादा जितने ज्यादा अच्छा मतलब हमें रिप्लाई मिलेगा ना, उतना अच्छा लगेगा कि चलो अपनी मेहनत को काम आ रही है करके। तो यहाँ अभी हम इंजॉय करते थोड़ा सा और चलो अल्लाह हाफिज करते, अल्लाह हाफिज। और प्लीज हम लोग हम सबको मतलब दुआ दुआ में याद रखिए और माशाल्लाह बोलिए है ना, माशाल्लाह जरूर बोला करो, बस मैं ही चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।